हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। आज हम जो है लिमिट कंटिन्यूटी का चैप्टर जो है शुरू कर वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा हमने जो है कंटिन्यूटी चेक करी थी, एक तो लिमिट पे करी थी, फिर जो है एक को इंटरवल पे, फिर आज जो है आज हम देखते हैं कि लिमिट जैसे जैसे क्या है एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग वन प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन बी अगर या वन माइनस एक्स अपॉन बी। क्या एक है के, एक है ए स्क्वायर फोर स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट माइनस प्लस ये है। अच्छा ये एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये कोई फंक्शन है, ये एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसकी क्या गया कंटिन्यूटी है एफ एक्स, इसकी क्या कहते हैं ये कंटिन्यूअस एक्स एक्स की कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो वैल्यू निकालनी है टू वन अपॉन ए वन अपॉन बी वह वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस फोर अपॉन के, इसकी वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है इसकी वैल्यू, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है किसकी, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस फोर अपॉन के। देखो इसकी वैल्यू किससे निकालते हैं, तो इसमें जो है पहले देखते हैं वही लिमिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे एल एच एल और आर एच एल, इसमें क्या निकाल लेंगे लिमिट निकाल लेंगे। जो भी इसमें दोनों को लिमिट को क्या रख देंगे इक्वल रख देंगे, फिर कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर क्यों रखेंगे, क्योंकि दे रखा है कंटिन्यू है फंक्शन, क्या है कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो एल एच एल और आर एच एल क्या है कि इक्वल हो गए। ठीक है, अब आर एच एल इक्वल टू क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जीरो से कम, जीरो से कहाँ है जीरो, हाँ एक्स की वैल्यू क्या है जीरो से कम है, जीरो से कम कहाँ है इसकी वैल्यू ये है। आर चल के तो निकाल देंगे जीरो प्लस, क्योंकि जीरो की वैल्यू कहाँ है प्लस ये है, इस पर वैल्यू निकाल देंगे क्या आएगी कोस स्क्वायर एक्स, क्या आएगी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस हो गया। इसके क्या करता हूँ मैं, इसके जो है रैशनलाइज कर देता हूँ मैं इसको, इसके दोनों तरफ क्या मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, ये ए एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है कोस टू एक्स, क्या होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस कोस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। चलिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ही आ जाएगी,
वो ये है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, ठीक है, ये है इसमें जो है लिमिट रख दूंगा मैं, ये तो वन, ये तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन कितना आ जाएगा, ये यहां पर लिमिट रखे टू आ जाएगा, लिमिट से ये लिमिट हो जाएगी, क्या आ गया कोस टू एक्स, कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन, क्या इसे वन को खत्म करने की क्या आ जाएगा कोस टू एक्स का क्या फॉर्मूला जाएगा वन को खत्म करने के लिए, इसको भी माइनस ये साइन कहते हैं माइनस मान, इसे क्या माइनस में इसको माइनस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको माइनस, वन को खत्म करने के लिए क्या आएगा वन माइनस, क्योंकि अगर यहाँ प्लस एक्स तो कोस आ जाता, फिर दिक्कत आ जाती, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे क्या आएगा टू कोस स्क्वायर वन माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन इस वन से बन जाएगा क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर ये टू आ गए यहाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इस वन से बन जाएगा, वन से वन चला जाएगा क्या आएगा ये टू और टू माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई वन आर माइनस के फोर, क्या आ गई माइनस के फोर। अब एक और, अब ये तो क्या निकाल लिया मैंने, ये आर एच एल निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे एल एच एल, एल एच एल, एल एच एल हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या जाएगी इसकी वन बाई एक्स, वन बाई एक्स लोग वन प्लस एक्स अपॉन ए, अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन बी, जो एक्स की वैल्यू है जो छोटी हो गई, ये क्या आ गया वन बाई एक्स, तो बाहर जो क्यों आ गया, ये क्या आ गया लोग, अच्छा ये लोग क्या आ जाएगा लोग एम अपॉन एन, यानी लोग एम माइनस लोग एन, क्या जाएगा ये लोग, ये है ना लोग एम फॉर्मूला होता है लोग एम अपॉन एन, लोग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है लोग एम माइनस लोग एन, लोग वन प्लस एक्स अपॉन ए माइनस लोग वन प्लस एक्स अपॉन बी, और सारी बाहर ये अपॉन एक्स बाहर चले जा रहा, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, वन अपॉन एक्स क्या आ गया वन अपॉन लोग वन प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस लोग वन प्लस एक्स अपॉन बी ए, ये आ गया भाई। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको देखो एक फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है लोग लोग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कितनी होती है वन होती है, इसकी लिमिट कितनी होती है वन होती है, कितनी होती है वन, तो इसको लोग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स बनाने के लिए फिर ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, ठीक इसी तरह से ये यहाँ क्या है, यहाँ भी एक्स है तो एक्स को डी बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, और ये है वन माइनस एक्स अपॉन बी, क्या है वन माइनस एक्स अपॉन बी, ये वन माइनस एक्स अपॉन बी है, ये वन माइनस एक्स अपॉन बी, ये आएगा वन माइनस एक्स अपॉन बी, ये यहां भी माइनस आएगा तो यहां भी माइनस आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सारी की आ जाएगी ये वन, इसकी वैल्यू सारी की कितनी जाएगी वन, तो यहाँ क्या यहाँ क्या आएगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, वन अपॉन बी ए वन अपॉन बी, अच्छा, और अगर ये कंटिन्यूस है फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे, जो इसकी एल एच एल है और आर एच एल क्या आ जाएगी, दोनों क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी,
यानी वन अपॉन बी, तो इसको आगे की जगह कर देते हैं, नीचे लिख दूं क्या आएगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस फोर इज इक्वल टू के। क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसकी एल एच एन आर एच एन और उस फंक्शन पे वैल्यू यानी एक्स इक्वल टू जीरो, देखो इसकी आर एच एन एक्स इक्वल टू टेंस टू जीरो आ गई, एल एच एन ये आ गई और दोनों की और वैल्यू कितनी आ गई है, तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्या आ जाएगी इक्वल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, वन अपॉन ए वन अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगी, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगी, माइनस फोर अपॉन के, माइनस के फोर अपॉन के, तो माइनस के फोर अपॉन के जो आ गई ना, ये माइनस के फोर अपॉन के है, इसकी वैल्यू जो है माइनस के फोर अपॉन के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस के फोर अपॉन के प्लस फोर अपॉन के इक्वल टू जीरो आ गई वैल्यू, ये आ गई वन माइनस के फोर अपॉन के प्लस फोर अपॉन के इक्वल टू क्या आ गई जीरो, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के फोर अपॉन वन अपॉन बी इक्वल टू जीरो, आई बात समझ में। देखो भाई क्या सवाल था, ये एक सवाल था कि ये भी फंक्शन है एफ एक्स गिवन फंक्शन है वही है ये एफ लेफ्ट देन जीरो ये है, अब इसकी इस कंटिन्यूस एक्स एक्स ये कंटिन्यूस है, हमने इससे पता लगा रहे हैं कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस की डेफिनेशन बताई थी मैंने कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एल एच एन आर एच एन और उस फंक्शन पे वैल्यू जो है उसकी इक्वल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए फाइनाइट, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या निकालनी वाली थी एल एच एन आर एच एन निकालनी है, तो एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स कहाँ बड़ा है ये वाला कोई स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर, इसकी ऊपर नीचे ने क्या कर दी मैंने मल्टीप्लिकेशन रैशनलाइज कर दी, क्या कर दिया मैंने रैशनलाइज, क्या कर दिया इसको रैशनलाइज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये आ गया टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया तो ये आ गया साइन साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन माइनस फोर आ गया, ठीक इसी तरह जब एल एच एन निकालना एक्स से छोटे में ये आ जाएगी वन अपॉन एक्स लोग एम, ये वही वाली इसकी लोग एम अपॉन एल के फॉर्मूला लगा दिया लोग एम माइनस लोग एन, और एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लोग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, लोग वन प्लस एक्स की एक्स अपॉन की वैल्यू कितनी होती है वन, तो इसको वन करने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे क्या है ये इसको यहां क्या है माइनस एक्स अपॉन बी, तो कहीं से मल्टीप्लाई होगी बी से होगी, कहीं से मल्टीप्लाई होगी माइनस बी से, कहीं से मल्टीप्लाई होगी माइनस बी से मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी जाएगी वन अपॉन ए माइनस माइनस प्लस वन अपॉन बी, तो क्या आ गई वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी माइनस फोर अपॉन के प्लस फोर अपॉन के इक्वल टू क्या आ गई है जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, ठीक है भाई आगे चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो एक कोई कंसीडर एक कोई फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या एफ एक्स इक्वल टू ए सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन
बी एक्स स्क्वायर मोड में सेवन स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू है, ये कोई फंक्शन है, ये क्या है, ये कोई फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है, सेवन साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस एक्स बार, ये कोई फंक्शन है, ये क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री एक्स इज लेस देन थ्री एक्स इज लेस देन थ्री है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, गिवन है कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, और ये टू की पावर है, टू रेयर की पावर है, टू रेयर टू की पावर है, और बी इक्वल टू है, बी इक्वल टू है इफ एक्स इक्वल टू थ्री, अच्छा ये कोई एफ एक्स है फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ए सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू साइन एक्स माइनस थ्री है टू एक्स माइनस एक्स एक्स में भी ग्रेटर देन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, इस ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो है ठीक नहीं है, अब ये कोई फंक्शन है इस पर ये जो है ये x माइनस एक्स बार ये है इज द ग्रेटेस्ट फंक्शन, क्या वेयर वेयर इज द जी आई एफ जी आई एफ जी आई एफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो है मोड में ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इफ x इज F is denote, F is denote the set is the F, F is the set of all order pairs of set of all order pair AB. इस order pair का AB का है such that F is such that एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, क्या है फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री देन द नंबर ऑफ एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इन, देखो और ये जो है ये फंक्शन है दे रखा है, ये फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, ये भी गिवन है ये एंड एफ इज कंटिन्यूअस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, देखो ये कोई फंक्शन है ये दे रखा है, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, अब ये एफ है जो सेट ऑफ फुल ऑर्डर पेयर का है, जिस तरह का ए भी है एफ है भी सेट है, इसमें जो है एलिमेंट पता नहीं कितने होंगे कि f इज कंटिन्यूअस एट f इक्वल टू थ्री, x जो है कंटिन्यूअस है यहाँ पे x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू थ्री पे जो जब कंटिन्यूअस है वही है, उसकी क्या निकाल लू भाई आर एच एम निकाल लू, क्या निकाल लू आर एच एम निकाल लू, फिर क्या निकाल लू मैं एल एच एम निकाल लू, ठीक, और दोनों को जो है अब देखते हैं क्या होता है भाई, देखो अब इसकी अगर मैं क्या निकालता हूँ मैं इसमें आर एच एम आर एच दे रखा है इसका फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस थ्री से बड़ा क्या है
एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री से बड़ी। थ्री से बड़ी क्या है, साइन एक्स माइनस क्या है, साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा एक्स की वैल्यू अगर थ्री से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, थ्री से होगी, ये ब्रैकेट में थ्री है तो थ्री से बड़ा थ्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा। ये क्या आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, थ्री आ, क्या आ गई है, एक्स माइनस थ्री। अच्छा अब अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन ये साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, पहली से बन रखो डायरेक्ट आएगा वही है, लेकिन क्या प्लस टेंड्स टू वैल्यू थीटा प्लस थीटा के अनुरूप है, तो ये क्या मान लूंगा, लेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थीटा, जब थ्री जब थीटा जाएगा क्या आएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन। देखो वन यहां से आ रही है, मुझे अगर देखो यहां जो है क्या आ जाएगी, जीरो अपॉन जीरो, जीरो साइन जीरो, एक्स टेंड्स टू थ्री है, मुझे थीटा ये होनी चाहिए, एक्स टेंड्स टू जीरो क्या आ गई, साइन थीटा इमेज साइन थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा क्या आ गई, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा क्या आ गई, ये आ गई। अब इसकी क्या है, अब इसकी क्या है, एल एच एम क्या आ जाएगी, ए सेवन एक्स माइनस स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री थीटा अपॉन बी स्क्वायर, बी है क्या है, वी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस स्क्वायर माइनस। अब देखो अब ये मोर में, ये अब देखो ये है क्या है, सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है फैक्टर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसके फैक्टर कर दूंगा, इसके फैक्टर किसको करूंगा, देखो इसमें से क्या कर दूंगा, ऊपर से माइनस को मैं ले लू, क्या आएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ये मोड में लिमिट थीटा एक्स एक्स टेंस टू थ्री माइनस। अच्छा इसके ट्वेल्व ऐसे फैक्टर है जिनका सम क्या हो, सेवन हो, फोर एंड थ्री, क्या लगे, फोर एंड थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री। अब इसके इसके क्या करके आ जाएगा, ये सारा करके आ जाएगा, ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये आ जाएगा, ए भी है बी भी है, ए नीचे बी, ए अपॉन बी लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री क्या आ गया, ए अपॉन बी आ गया। और साथ में ये देखो टू की पावर क्या था है? देखो ये देखो ये क्या था, टू की पावर में चल रही थी, क्या देखो ये गलती है, टू की पावर हुई थी, टू की पावर टू की पावर टू की पावर इक्वल टू टू क्या आ गई, टू आ गई, क्या आ गई, टू आ गई। अब देखो अब ये एक्स टेंड्स टू थीटा, थीटा कब,
ठीक से कम ये भी माइनस में आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, प्लस आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के ए अपोन बी, माइनस के ए अपोन बी। अच्छा ये इसकी एल एच एन और आर एच एन, इसकी क्या आ गई एल एच एन और आर एच एन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होगी और इसकी वैल्यू की भी इक्वल होगी, क्या होगा फोर कंटिन्यूस, फोर लिखेंगे फोर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री, फोर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री, तो ये क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन माइनस माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टू, ए क्या आएगा माइनस ए अपॉन बी, क्या आएगा माइनस के ए अपॉन बी टू इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू क्या आ गया टू, b इक्वल टू क्या आ गया टू, तो माइनस ए अपॉन टू इक्वल टू टू, ए इक्वल टू माइनस फोर, ए इक्वल टू क्या आ गया माइनस फोर, ए इक्वल टू क्या आ गया माइनस फोर आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया टू आ गया, और ये वैल्यू क्या है सेट ऑफ पेयर पूछा a अपॉन b, a अपॉन b कहां से हो गए माइनस के फोर टू, क्या आएगा माइनस के फोर टू, तो पेयर उसका का माइनस फोर टू क्या आ गया, पेयर इसका क्या होगा माइनस के फोर टू हो जाएगा। देखो भाई क्या सवाल है, एक क्वेश्चन था ये एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स माइनस ट्वेल्व, ये क्वेश्चन था ये, ठीक ये टू, ये कब था एक्स इज लेस देन थ्री, ये एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और एक्स थ्री की वैल्यू क्या है, यह है एक्स का ग्रेटर फंक्शन, ठीक। अच्छा ये टू की पावर में, अच्छा अब ये दे रखा है कि ये फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू थ्री पे कंटिन्यू है, ये दे रखा, तो फिर सेट ऑफ पेयर ऑफ ए ये निकालना है, किससे निकालने, अच्छा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वही तरीका है, पहले एच एन ले लो फिर आर एच एन, फिर उसकी जो है वैल्यू पे इन दोनों को इक्वल रखो, क्या रखो इक्वल, देखो पहले मैंने क्या रखा है कि आर एच एन निकाली, क्या निकाली इसकी आर एच एन, आर एच एन ये आ गई, ठीक फिर क्या निकाली मैंने इसकी एल एच एन, फिर क्या निकाल दिया मैंने एल एच एन लिखी, फिर इन दोनों को क्या कर दिया ये साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा चेंज टू वन, टू की पावर वन ये आ गई, टू की पावर आ गई। अब इसको जब दोनों को सोल्व करता हूं मैं, सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करके क्या जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ए बी, क्या जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स फोर इससे कैंसिल हो गए माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। अब जब कंटिन्यूस के लिए एल एच एल आर एच एल उसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल होगी, तो इक्वल होगी तो यह आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर, बी की वैल्यू टू आ गई, सेट यहां रख दी तो ये जाएगा फोर क्या होगा माइनस फोर टू आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है नया क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है क्या होता है अब अगर क्या है कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर बड़ा है बेटा तो यहां एफ एक्स बराबर वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स मोड की पावर एक्स बाई कोस एक्स की पावर एक्स बाई
कोस एक्स की पावर एक्स बाई कोस एक्स का मोड की पावर एक्स बाई कोस एक्स का मोड बल्कि उसको लैम्डा की पावर कर दो, क्या कर दो, लैम्डा की पावर कोस एक्स, ये क्या आ गया इसकी वैल्यू म्यू, फिर आ गई कोट सिक्स एक्स अपॉन कोट सिक्स एक्स अपॉन कोट फोर एक्स, कोट फोर एक्स, एक्स की वैल्यू है जीरो और पाई बाई टू के बीच, एक्स की वैल्यू है क्या गया जीरो और पाई बाई टू के बीच, म्यू की वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है, इसकी वैल्यू है कोट सिक्स अपॉन फोर एक्स की वैल्यू है पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू है पाई बाई टू और पाई के बीच, ठीक है पाई बाई टू और पाई के बीच, कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, क्या दे रखा कंटिन्यू फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द देन ए लैम्डा प्लस फिफ्थ लॉग म्यू प्लस म्यू की पावर सिक्स, म्यू की पावर थ्री माइनस ई की पावर सिक्स माइनस ई की पावर सिक्स लैम्डा माइनस ई की पावर सिक्स लैम्डा, इसकी वैल्यू निकाल, ये कोई फंक्शन है, देखो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स की पावर लैम्डा अपॉन कोस एक्स की पावर लैम्डा अपॉन कोस एक्स, और फिर है म्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये कोट सिक्स एक्स है, अच्छा तो इसकी मुझे है क्या निकाल लूंगा मैं, इसकी एल एच एन निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा भाई एल एच एन, क्या निकाल लूंगा इसकी एल एच एन निकाल लू, फिर वही है आर से निकाल लू, फिर दोनों क्या कर दू मैं इक्वल रख दू, तो देखो कुछ ना कुछ तो फिर फंक्शन की वैल्यू, तो इससे ये आ जाएगा, क्या जाएगा, अच्छा तो इसकी एल एच एल क्या आ जाएगी मेरी एल एच एल, एल 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 एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, अच्छा पाई बाई टू से छोटा, पाई बाई टू से छोटा कहाँ है फंक्शन, पाई बाई टू से छोटा कहाँ है, पाई बाई टू से छोटा ये है क्या है वन प्लस कोस एक्स, एक्स की पावर कोस एक्स, एक्स की पावर कोस एक्स, तो ये क्या आ गया वन प्लस कोस एक्स की पावर लैम्डा वाई कोस एक्स, लैम्डा वाई कोस एक्स का ये यार, अच्छा ये अब इसमें क्या है, अगर मैं यहां के यहां देखो लिमिट बनाऊ, क्या बनाऊ मैं इसकी लिमिट बनाता हूं मैं, तो क्या आता है देखो ये फंक्शन है, देखिए ये क्या आ गया वन जीरो पावर इनिशियेटिव, अगर वन की पावर इनिशियेटिव था यही था फंक्शन, ये वन अपॉन एफ एक्स, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स होता था ये, तो इसमें वन माइनस करके क्या कर दो, वन माइनस करके इसकी मल्टीप्लिकेशन पावर की कर देते हैं उस फंक्शन में, ये तो आया था भाई, क्या कर देते हैं वन प्लस कोस एक्स क्या जाता है वन प्लस क्या जाता है वन प्लस कोस एक्स माइनस वन की इंटू लैम्डा अपॉन cos x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई, यह था ना वन से वन, ये क्या बच गया लैम्डा, अच्छा और ये जो है e रे की पावर में जाता था, क्या जाता था e रे, ये ध्यान रखना क्या जाता था e रे की पावर, अभी बात पहले भी कराए थे वो सुना क्या आएगा e रे की पावर क्या आएगी लैम्डा,
एक ही रेस के ऊपर क्या आ गया देखो, इससे ज्यादा कोस एक्स से कोस एक्स यूनिट डिग्री, इससे क्या आ गया ई की पावर लैम्डा, क्या आ गई है ई की पावर लैम्डा। अब मैं इसी सवाल में, इस सवाल में क्या निकाल लेता हूं मैं आर एच एन, क्या निकाल लेता हूं मैं आर एच एन, आर एच एन, आर एच एन क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से बड़ी, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कोट सिक्स एक्स कोट सिक्स एक्स कोट सिक्स एक्स अपॉन कोट फाइव कोट सिक्स अपॉन कोट फोर एक्स, और ये भी जो है e की पावर में है, ये भी कहम है, ये e की पावर कर लो, इसको भी कहम कर लो e की पावर, कहम कर लो e की पावर, ये आ गई e की पावर, e की पावर कोट सिक्स कोट सिक्स अपॉन फोर फोर है, अच्छा जी देखो यहां जो है एक्स की वैल्यू अगर मैं क्या रख दू, एक्स की इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा रख दू, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा रख दू, यहाँ इसमें फंक्शन कुछ हो तो रहा नहीं इसमें, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या आएगा जीरो, तो लिमिट क्या आएगा लिमिट एक्स थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो क्या आएगा ई की पावर कोट कोट सिक्स फाइव बाई टू प्लस थीटा, ये क्या आएगा कोट फोर फाइव बाई टू प्लस थीटा, यहां से बात समझ आएगी, इसको मैंने ये कर और क्या है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, क्या ये e की पावर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो e की पावर देखो ये आ गया कोट चले गए थ्री पाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन में पार्ट है कोट क्या है कोट थ्री पाई प्लस थीटा अपॉन कोट अंदर आगे क्या है टू पाई प्लस थ्री टू पाई प्लस फोर्थ थीटा कोट टू पाई प्लस के फोर्थ थीटा कोट पाई प्लस के यहाँ सिक्स थीटा आएंगे। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे टेन बदल दूंगा, क्या आ जाएगा ये टेन बदल लेता हूँ, क्या फंक्शन क्या कैन कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको, यहाँ देखो क्या आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो क्या आ जाएगा ई की पावर टेन टू पाई प्लस फोर थीटा अपॉन टेन थ्री पाई प्लस सिक्स थीटा सी आर, यहां तो बात सुना होगी अच्छा टू पाई, अब यह है टेन टू पाई, टेन टू पाई का मतलब होता है टेन थ्री फिफ्टी प्लस थीटा टेन थ्री सिक्सटी प्लस टेन थीटा, तो टेन थ्री सिक्सटी प्लस थीटा क्या होता है टेन थीटा फॉर्मूला थ्री सिक्सटी में, ये क्या आगे लिमिट यहां से क्या आगे लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा टेंड्स टू जीरो ई की पावर ये आगे टेन टू पाई नहीं टेन थ्री सिक्सटी प्लस फोर थीटा, पहली क्वाड्रेंट में होता है ये होता है ना ये वाला ए जीरो नब्बे अस्सी 180 270 और ये फिर 360 यही आ जाएगा, 360 प्लस करूंगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे प्लस होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे प्लस होते हैं, थ्री थीटा ई टेंस टू पावर टेन टू पाई प्लस थीटा क्या इक्वल होता है टेन थीटा क्या इक्वल होता है टेन थीटा ई की पावर टेन फोर थीटा अपॉन ये क्या आएगा ई की पावर टेन ये क्या आ जाएगा सिक्स थीटा या लिमिट थीटा थीटा टेंड्स टू जीरो। अब इसको क्या कर लूंगा मैं ये बना लू मैं
टेन थीटा कॉन थीटा इसे क्या बना लीजिए आगे, ई की पावर टेन की पावर फोर थीटा, टेन फोर थीटा अपॉन फोर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे क्या आ जाएगा ये ई की पावर नहीं टेन सिक्स ये है टेन सिक्स थीटा, क्या टेन सिक्स थीटा, तो टेन सिक्स थीटा अपॉन सिक्स थीटा मल्टीप्लाई सिक्स थीटा, ये तो वन के बराबर हो गया, ये वन के बराबर, ये क्या आ गया ई की पावर फोर थीटा अपॉन सिक्स थीटा ई की पावर टू अपॉन थ्री, ये क्या आ गया ई की पावर टू अपॉन थ्री। देखो भाई इसकी क्या है लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है दोनों क्या है इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे ई एल एच एल और आर एच एल क्या होगी, दोनों इक्वल होंगे एल एच एल और आर एच एल इक्वल होंगी, तो क्या आ जाएगा तो क्या है ई की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू इक्वल टू ई की पावर टू बाई थ्री फोर कंटिन्यूस फोर कंटिन्यूस फोर कंटिन्यूस, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है जो ये फंक्शन की वैल्यू है पाई बाई टू के एल एच एल और आर एच एल के इक्वल आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये क्या आ गई ई की पावर टू थ्री इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू दोनों तरफ पर लॉग ले लिया, दोनों तरफ पर क्या ले लिया लॉग ले लिया, तो क्या आ गया लॉग म्यू इज इक्वल टू यहां चाहते हैं ना लॉग म्यू वाला इज इंप्लाई दैट लॉग म्यू इज इक्वल टू टू बाई थ्री, म्यू की वैल्यू भी लॉग म्यू की वैल्यू भी निकल गई, अब लैम्डा की क्या है ये ए की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू क्या की है ए की पावर टू बाई थ्री क्या है इसकी, और ये थी आर एच एल आई एल एच और ये थी क्या है एल एच एल है, तो दोनों भी इक्वल होगी e की पावर टू बाई थ्री ई की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू टू बाई थ्री, देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई ये भी आ गई, अच्छा अच्छा अब क्या की वैल्यू आएगी म्यू क्या आएगी, अच्छा यह है म्यू की पावर सिक्स, म्यू की पावर सिक्स इसकी वैल्यू निकालनी है, अब यहां म्यू क्या आ जाएगा और यहां से ये क्या आ जाएगा म्यू बराबर, यहां से क्या आ जाएगा म्यू बराबर ए की पावर टू बाई थ्री, यहां से क्या आ जाएगा म्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी म्यू बराबर ई की पावर टू बाई थ्री, म्यू की वैल्यू क्या आ गई ई की पावर टू बाई थ्री, जब ई की पावर में करूंगा तो याद देखो भाई अब इसको यहां सबको क्या कर दूंगा मैं पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ अब इसको सबको यहां से क्या कर देता हूँ इसकी फंक्शन में वैल्यू में क्या कर देता हूँ उसको पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगी ए लैम्डा ए नहीं बल्कि नाइन लैम्डा है, क्या ये ए के रूप में नाइन लैम्डा, क्या आएगा नाइन लैम्डा टू नाइन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा की वैल्यू कितनी है भैया टू बाई थ्री प्लस सिक्स लॉग म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां से यहाँ टू बाई थ्री, क्या आ गई टू बाई थ्री प्लस म्यू की पावर सिक्स, तो म्यू इज इक्वल टू ई बाई थ्री है और म्यू की पावर सिक्स करके ई की पावर क्या जाएगा फोर प्लस की क्या जाएगा ई की पावर फोर आ जाएगा, क्या जाएगा ई की पावर म्यू की पावर सिक्स करके ई की पावर फोर आ जाएगा माइनस
ई की पावर सिक्स लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई थ्री, क्या आ गया, ई की पावर टू बाई थ्री, यहां क्या आ गया, नाइन टू द 18/3, क्या आ गया, 18/3, क्या आ गया, 18/3, ये क्या आ गया, 12/3, ये क्या आ गया, प्लस के ई की पावर फोर माइनस के ई की पावर फोर, इस प्लस से ये माइनस जाएगा, 18/2, 13/3 इक्वल टू क्या है, क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, क्या है, देखो भाई एक ये सवाल है, क्या सवाल है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, 1 cos√x/λ/cos(μ/cot6x/cot4x), ये कंटिन्यूस है फंक्शन, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे, फिर मुझे वैल्यू निकालनी है, 9λ+6 cos log μ, μ^6 - e^6λ, ठीक है। अब इसकी एक्स की वैल्यू 0 to π/2, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 to π/2 निकालनी है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे, ये है डियर थ्री के लिए, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ये है, तो इसकी मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले एल एच एल, पहले एच एल क्या क्या है, पाई बाई टू से लैस, पाई बाई टू से लैस क्या ये है, 1 cos√x/λ/cos(μ/cot6x/cot4x), अब मैंने ये देखा ये फोन में हो रही है लिमिट एक्स, 1 + 1 की पावर इनफिनिटी, 1 की पावर अगर इनफिनिटी होती है, ये 1 से होता है cos माइनस थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा प्लस का, फिर क्या होती है, इस e की पावर में जाता है और इसमें से फंक्शन में से क्या घटा दो, एक घटा दो, पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले पढ़ा था हमने ये लिमिट में, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये cos x cos e की पावर लैम्डा, यानी जो हमारी जो एल एच एल आ गई, आ गई e की पावर लैम्डा। अब ठीक इसी तरह मैंने आर एच एल निकाल लूंगा, ये cot6/cot4x है, तो इसको जो क्या कर दिया मैंने, इसको पाई बाई, इसको थीटा को करने के लिए जीरो, इसको जीरो करने के लिए इसको पाई बाई मान लिया, पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू एक्स, इसे एक्स को क्या मान लिया, पाई बाई टू प्लस थीटा मान लिया, क्योंकि मुझे इसको कोट को बदले टेन थीटा पॉइंट थीटा में बदलना है, ये था तो वो होती है जब थीटा टेन्स टू जीरो साइन टेन थीटा पॉइंट थीटा, अब इसको क्या कर लिया, तो इसको मल्टीपल एक्स की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, इसकी क्रॉस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर ली, यागे 10 2π + 4θ, 10 3π, और 10 360 360 + θ, कोई भी और क्या होता है, 10θ होता है, क्या होता है, ये आ गया, फिर इसको 10x करने के लिए जो मैंने बदला था यहाँ, इसके 4 से मल्टीप्लाई कर ली, इसको कैंसिल कर ली, 6 से कर ली, ठीक यहाँ तक की आ गई। अब मेरे पास आर एच एन से आ गई और एल एच एन ये आ गई, अगर दोनों को इक्वल है e की पावर लैम्डा इक्वल टू e की पावर 2/3, तो क्या जाएगा, e की पावर लैम्डा इक्वल टू e की पावर 2/3, ये से ये रखा ये, तो इन दोनों से क्रॉस ये होगी, एक होगी अल्फा इक्वल टू 2/3, ये एक तो लैम्डा निकली। अब मुझे निकालना है लॉग म्यू, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू है, जो फंक्शन की वैल्यू है पाई बाई टू, दोनों की एल एच एल और आर एच एल के इक्वल होगी, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, म्यू इक्वल टू मान लिया e की पावर 2/3 आ जाएगा, इसकी लिमिट है, अब ये म्यू इक्वल टू दोनों तरफ पर लॉग लूंगा, तो लॉग म्यू इक्वल टू क्या जाएगा 2/3, ये म्यू की वैल्यू निकल गई। अच्छा अब म्यू लॉग म्यू, लॉग म्यू की, अब म्यू की लॉग म्यू इक्वल टू e की पावर 2/3 है, तो म्यू इक्वल टू क्या है, e की पावर 2/3 नहीं रखी हो, ये इसका लॉग लेंगे, इसकी म्यू की वैल्यू यहां रख दूंगा, और e की पावर 6 ये लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, सबको इनको कैंसिलेशन करें, क्या आ गया 1, तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भैया, 10, क्या होगी इसकी फंक्शन की वैल्यू, 30/3, क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, 10, 30/3, सॉरी इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 30/3 क्या होगी, है फंक्शन की वैल्यू 30/3 पे, अपॉन क्या होगी फंक्शन की हमेशा 10, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, आई बात समझ में, आगे बढ़े, अच्छा अगर इस कोई भी क्वेश्चन को ग्राफ से भी जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिट कंटिन्यूस चेक करने के लिए कंटिन्यूस है नहीं है, जैसे अगर कोई फंक्शन हम
देखो भाई, अब हमें देखना है कि कंटिन्यूटी अगर हम चेक करनी है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कहीं भी फंक्शन में कंटिन्यूटी हो जाए तो ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन के लिए देख सकते हैं। जैसे मान लिया कंटिन्यूटी इसकी फंक्शन की चेक करने है, वाई इक्वल टू ये बेटर इसकी क्या कंटिन्यूटी होगी इसकी, ये इस तरह का बनाना है। अगर इस तरह का ये ग्राफ है, इसका ग्राफ क्या जाएगा ना, वन यहाँ वन है, क्या जाएगा इसका वन से टू है ये, फिर ये क्या था फंक्शन है। देखो जहां फंक्शन ब्रेक हो जाए, जहां फंक्शन ब्रेक हो जाए वहां फंक्शन कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर मान लिया y इक्वल टू x है, क्या है अगर y इक्वल टू कितने पे है, वन अपॉन x, वन अपॉन एक्स पे अगर मुझे ड्रॉ करना होगा ग्राफ तो इस तरह का ग्राफ आ जाता है, इस तरह का। किस पे, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे करना है, एक्स टेंस टू जीरो पे करना है, लिमिट क्या आएगा, एक्स टेंस टू जीरो करेंगे क्या आएगा, ये वन अपॉन जीरो इक्वल टू इंफिनिटी, वन अपॉन जीरो कितना आ जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, तो नॉट कंटिन्यूअस। वैसे भी ये नॉट कंटिन्यूअस हो रहा और इसका ये मतलब मुझे साइन एक्स का ग्राफ देखना हो, साइन एक्स का ग्राफ किससे आ जाएगा, ये साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा, ये क्या है वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन देखना है कि ये कंटिन्यूअस ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, एक के साथ बता दी जाए तो उसका एक क्या है, सीधा सा एग्जांपल याद कर लो, अगर फैन उठ जाए, अगर क्या आ जाए फैन, जैसे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, इनमें जो फंक्शन में ब्रेक हो रहा है फैन, जब इसको बुलाएंगे तो फैन ये क्या उठेगा, ये तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये भी फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, यहाँ क्या होगा यहाँ फैन उठा है तो ये फंक्शन क्या होगा, अरे लिख लो यार थोड़ी है इसमें कौन सी बात है, एक्स ये एक्स बार ये एक्स डैश, ये भी क्या है एक्स, ये ओरिजिन आ गया, ये एक्स बार, ये भी क्या है ये जीरो एक्स एक्स बार वाई वाई बार और एक्स बार, ये कोई फंक्शन है, ये कोई मेरा क्या है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के y इक्वल टू साइन x है, ये है x किसका फंक्शन है जो y इक्वल टू x का ग्रेटर है और ये है y इक्वल टू, इसमें जहां देखता हूं फैन उठ रहा है ना, ये ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है देख भी आ रहा है ब्रेक, तो इस फंक्शन पे ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और ये फंक्शन ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और ये यहां पे आएगा, ये फंक्शन ये कैसा रहेगा, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन मुझे चेक करना हो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से कि ये देखते साथ फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, जहां भी वो ब्रेक हो रहा है उसी फंक्शन पे वो जो है डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज अगर पैन बगैर उठाई कोई फिगर बन रही है इस तरह कोई भी किसी भी तरह की फिगर बन रही है तो वो कहते हैं दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, और जहां ब्रेक हो रहा है उसी फंक्शन में कहते हैं कि ये जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक सही बात नहीं भाई, ठीक है आगे बढ़े। देखो एक सवाल और है, दिखाते हैं एक सवाल और,
माने जो फंक्शन है दूसरा का फंक्शन है -1 to r कोई एफ एफ एक्स ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कैसा फंक्शन एफ डिफाइंड हो रहा है, एफ एक्स कैसा फंक्शन एफ डिफाइंड हो रहा है, मोड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स प्लस एक्स और ये एक्स प्लस मोड एक्स, एक्स प्लस मोड एक्स ए ग्रेटर, एक्स की वैल्यू क्या है -1 to x to 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1 की वैल्यू एक्स टू टू, 1 की वैल्यू क्या है एक्स टू टू और इसकी वैल्यू क्या है 2 to 3 इंटू, ये फंक्शन है एफ वेयर, सवाल है वेयर इज द जी आई एफ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड और पता करना कि एफ इज फाइंड, एफ विल बी, एफ विल बी डिसकंटिन्यूअस, दिस एफ विल बी डिसकंटिन्यूअस, पता करना है कि कितने पॉइंट पे होगा, 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे, जैसे मान लिया ऑप्शन है ऑप्शन भी लिख दिया, मान लिया 1 पॉइंट पे, फिर 2 पे 3 पे 4 पे, पता करना है कि f कितने पॉइंट पे, f कितने पॉइंट पे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा। देखो भाई ये फंक्शन को तो ब्रेक हो रहा है -1 to 1 अच्छा -1 to 1 को अगर मैं ये इसका ड्रॉ करूं ये लाइन -1 to 1 इसके नीचे कहाँ आएगा 0 भी आएगा, इसके नीचे -1 to 1 क्या आएगा 0 भी आएगा, तो इसको मैं जो है ब्रेक ही कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं उसको ब्रेक को, जैसे ये है फंक्शन ये हो गया एफ, इसे कर लिया एफ एक्स इनइक्वालिटी, तो ब्रेक क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 0 और x belongs to 0 to 1 इस फंक्शन को बिलोंग करता है, पहले मैंने इस फंक्शन को ब्रेक करा, इस फंक्शन को ब्रेक करा मैंने, इस फंक्शन को ब्रेक करा, जब x की वैल्यू -1 to 0 होगी ये मोड x प्लस x है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो भाई जब ये माइनस जीरो से छोटा होगा, जब ये जीरो से, जब ये जीरो ही होगा तो जीरो की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, अरे मोड एक्स की वैल्यू एक्स तो क्या आएगी एक्स प्लस जीरो, क्या आएगी एक्स प्लस जीरो, एक्स प्लस जीरो एक्स, अच्छा फिर क्या आएगी है एक्स, अच्छा एक्स प्लस एक्स फिर किसी वैल्यू पे, इसी वैल्यू इसके 0 to 1 पे, 0 to 1 पे एक्स 0 to नहीं एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो ये तो माइनस आएगी माइनस एक्स, ये जीरो से कम है, माइनस जीरो से कम क्या आएगी माइनस एक्स प्लस रूट ये आएगी, जो भी वैल्यू होगी ये एक्स की है माइनस है तो माइनस ही आएगी, अब है 0 to 1 पे नहीं, 0 से बड़ी छोटी ये हो जाएगी क्या आ जाएगी एक्स प्लस जीरो, यहाँ आ जाएगी क्या आ जाएगी एक्स प्लस जीरो, 0 to 1 पे आ जाएगी एक्स प्लस जीरो एक्स, ये इस फंक्शन को इस लिमिट को मैंने ब्रेक कर लिया, क्या आ गई -1 to 0 और 0 to 1 ठीक, अब ये इसके दो हो गए ये फंक्शन है, इसी लिमिट दो आ गई, अच्छा
अब क्या है फंक्शन क्या है मेरा 1 to 2 वन टू टू एक है 1 to 2 ये 1 to 2 तो कोई जरूरत है ही नहीं इसे तोड़ दो 1 to 2 1 to 2 ये 1 to 2 1 to 2 क्या आ गया एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 x 2 और अब ये क्या आ गया ये है एक्स प्लस एक्स अच्छा अब इसे 1 to 2 को करेंगे ये प्लस कही जाएगा तो एक्स प्लस एक्स आ जाएगा क्या जाएगा एक्स प्लस एक्स आ जाएगा मोड एक्स से एक्स प्लस एक्स क्या जाएगा ये एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स का मतलब कितना आ गया 2x अब यहां निकाल लेंगे 2 2 x 2 3 क्या है एक्स प्लस एक्स है तो 2 2 x 2 3 में क्या आएगा एक्स प्लस मोड एक्स की यह 2 2 के अराउंड में है तो 2 ही वैल्यू जाएगी क्या जाएगा ये एक्स प्लस यहां के बाद देखो इसको ब्रेक कर लिया जो कि यह है अच्छा और अब क्या है अब निकाल में एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 3 में एक्स इक्वल टू 3 में निकालना चाहता हूं अब क्या निकाल लो एक्स इक्वल टू 3 में एक्स इक्वल टू 3 में क्या फंक्शन आ जाएगा ये एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा ये भी ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 क्या आ जाएगा ये एक्स की वैल्यू है ना लेस देन 3 जब लेस देन है तो ग्रेटर देन खुद जाएगा ये तो ये आ गया ये क्या आ गया ये फंक्शन आ गया क्या आ गया ये फंक्शन आ गया एक्स इक्वल टू लेस देन 3 और इसको अगर एक्स इक्वल टू 3 इक्वली मान लें 2 to 3 है 2 to 3 2 to 3 है 3 पे 3 आ गया ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस निकालना है कि इस इक्वल टू क्या होगा कंटिन्यूस निकालना है एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि डिसकंटिन्यूस होगा कि एक्स इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूस हो कितने पॉइंट होगा एक पर होगा कितने जब इसको होगा अच्छा ये अब देखो क्या करा ये फंक्शन था मेरा माइनस 1 to 1 एक्स ये फंक्शन था फिर ये था अब जब ये फंक्शन था इसको मैंने ब्रेक कर लिया क्या गया -1 to 1 यानी -1 to 0 ये -1 to 1 और 0 1 जब -1 की वैल्यू 0 है तो यहां क्या आएगा ये माइनस दिया जाएगा -x प्लस ये और जब 0 रखूंगा मैं यहाँ जब क्या रखूंगा मैं 0 रखूंगा यहाँ ये 0 की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 0 इसमें क्या आएगा 0 प्लस मोड एक्स एक्स की वैल्यू अच्छी रहेगी तो 0 प्लस एक्स क्या आ जाएगी ये एक्स ही आ जाएगी क्या आएगी 0 प्लस एक्स क्या आ जाएगी ये एक्स ही आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी एक्स ही आ जाएगी ये 2x आ जाएगी एक क्या आएगी एक्स प्लस 2 और एक क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी ठीक है और अब अगर इसकी वैल्यू जो है 0 टू ये एक्स की वैल्यू ही आ जाएगी माइनस एक्स टू 1 अगर एक्स की वैल्यू -1 रखे तो यहां से क्या इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू -1 ये है ना ये इट इज द ग्रेटर फंक्शन जी आई है तो इसकी क्या जाएगी -1 x2 -1 आएगी तो एफ एक्स के कितने फंक्शन आ गए हैं एक्स टेंस टू -x -1 ये आ गए एक्स ये एक्स की वैल्यू 1 to 2 क्या आ गई एक्स प्लस 2 इन्हें एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2 टू टू 3 एक्स प्लस 2 एंड एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू ये आ गई फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई उसमें चेक करने है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं देन देयर इट फंक्शन विल बी टू द डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो फिर वही है इस पॉइंट पे मैं करेक्ट इस पॉइंट पे इसकी क्या निकाल लूंगा मैं LHL निकाल लूंगा क्या निकाल लूंगा LHL और RHL क्या निकाल लूंगा मैं HL और RHL इस पॉइंट के लिए देखो
किस पॉइंट के लिए, पहले इस पॉइंट के लिए निकाल लो लिमिट क्या आएगी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो से क्या निकालूंगा एल एच एल, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या निकाल दूंगा मैं लिमिट एल एच एल क्या आएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा इस पे एक्स टेंस टू जीरो पे क्या आएगी फिर इसकी क्या निकाल दूंगा मैं आर एच एल निकाल लूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये पॉजिटिव, एक्स टेंस टू जीरो जीरो से कम जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है क्या है जीरो की तरफ कन्वर्ज क्या है माइनस एक्स माइनस वन, क्या आता है माइनस एक्स माइनस वन। तो माइनस एक्स माइनस वन में एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा जीरो, जीरो माइनस वन कितना आएगी माइनस वन, एक्स टेंस टू जीरो जब जीरो की तरफ रखूंगा ये क्या आ जाएगी ये जीरो ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी जीरो, हेंस इट इज जीरो एंड माइनस वन नॉट इक्वल, सो एल एच एल एंड आर एच एल नॉट इक्वल, सो इट इज द लिमिट यू नो डी डी एन यू डू नॉट एक्स एट 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 एक्स इक्वल टू जीरो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि बिकॉज एल एच एल एंड आर एच एल नॉट इक्वल। ठीक है अब मैं क्या करता हूं अब एक्स इक्वल टू वन पे, अब क्या करता हूं मैं एक्स इक्वल टू वन पे जो है ये चेक कर लेता हूं एक्स इक्वल टू वन एट जहां जहां ब्रेक हो रहा है, जहां जहां ब्रेक हो रहा है एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंस टू वन ये हो गए एल एच एल और एक है आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन पहले अच्छा एक्स टेंस टू वन ये क्या है एक्स है क्या है एक्स टेंस टू वन पे क्या लिमिट क्या है जब एक्स की वैल्यू क्या है ये एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक से थोड़ी क्या है एक्स क्या है खाली क्या है एक्स है क्या एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है तो इसमें क्या जाएगी भैया अच्छा एक है एक्स टेंस टू वन इसमें कितनी आ जाएगी इसमें तो वन आ जाएगी ये भी वन इसमें कितनी आ जाएगी ये टू टू मल्टीप्लाई टू तो टू मल्टीप्लाई वन तो इट इज नॉट बी एन ई बिकॉज एल एच एल एंड आर एच एल नॉट इक्वल So then the limit at the x equal to a does not exist. Does not exist. इस limit में भी क्या निकल रही है? Does not exist निकल रही है. अच्छा अब देखो अब है x equal to 2 पे x equal to 2 पे limit at x equal to 2 LHL LHL limit x tends to 2 और x इक्वल टू एट x इक्वल टू टू इस पे क्या निकालूं आर एच एल लिमिट x टेंस टू टू प्लस देखो ये टू प्लस टू क्या है ये टू जो है नेगेटिव है ये x प्लस टू है तो टू प्लस टू यानी ये है टू मल्टीप्लाई है ना ये लेस देन टू x की वैल्यू जो है लेस देन टू है तो टू मल्टीप्लाई टू क्या आएगी ये टू मल्टीप्लाई टू इक्वल टू फोर एक्स टू प्लस की क्या आ गई यहाँ से 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया ये आ गया 4, ये क्या आ गया 4 एंड बिकॉज एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 2 दे आर एल एच एल एंड आर एच एल आर इक्वल सो देयर इज द लिमिट एग्जिस्ट सो लिमिट द एग्जिस्ट एट द अगेन लिमिट एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू कितने पे टू पे एक्स इक्वल टू टू पे एक्स इक्वल टू टू पे एक्स इक्वल टू टू पे क्या होगी ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है क्या कर रही है अच्छा अब सवाल मेरा ये आ गया इसमें अब मेरा सवाल इसमें ये आ गया कि देखो देखो बच्चों देखो इसमें ये क्या लिमिट आ गई देखो इस लिमिट पे x इक्वल टू वन पे क्या आ गई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू टू पे भी क्या आ गई है x इक्वल टू पे एग्जिस्ट आ गई और इस पे क्या आ गई डज नॉट एग्जिस्ट अब देखो
जो मैंने इंटरवल की जो थ्योरम, अब मैं क्या एक्स इक्वल टू थ्री को ही चेक करूंगा, नहीं करूंगा ये बताओ सर, इस लिमिट को, इस पे जो फंक्शन को एक्स इक्वल टू थ्री पे चेक करूंगा, नहीं चेकूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू थ्री जो है बाउंड है, ब्रेक नहीं हो रहा है। जहां भी फंक्शन ब्रेक होगा, जहां भी फंक्शन ब्रेक होगा, वहां जो है हम जो है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जहां भी फंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा, वहां भी जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, या ही कह दो जहां भी बाउंड्री पे हम जो है चेक नहीं करते। क्या नहीं करते, बाउंड्री वो था ना इंटरवल में, वो था कि ए टू बी, ए टू बी चेक नहीं, इसके बाउंड्री पे थी, बाउंड्री वाले को चेक नहीं करते। जहां भी बाउंड्री है उसको चेक नहीं करते, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो कितने पॉइंट पे हो गया, सिर्फ एक पॉइंट पे हो गया, तो दैट एट इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओनली लिमिट, ओनली कौन से पॉइंट पे है, वन पॉइंट पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन जो है इस पे ही कंटिन्यूअस होगा। देखो भाई सवाल क्या था मेरा, सवाल बहुत सिंपल था, ये कोई एफ, ये तो आर तक था, ये बाउंड्री पॉइंट थे, तो एक्स इक्वल टू एक्स था, क्या है, एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन था, या दो एक्स इक्वल टू क्या था, -1 to x, ये फंक्शन गिवन था, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, और इसका इसकी जो ये डिसकंटिन्यूअस है, एक पॉइंट पे है, दो है, तीन पे है, चार पे, ये पता करना था। एट इज इक्वल टू एक्स, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एल एच एल आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो -1 to 0, ये आ गया। अच्छा एल एच एल इस पॉइंट पे, इसको ये कर लिया मैंने, इसको पहले इसको मैंने पहले सोल्व कर लिया, ये फंक्शन है -1 to 0, इसको ब्रेक कर दिया -1 to 0, एक्स टेंड्स टू -1 to 0 यहाँ से यहाँ तक का, और ये फंक्शन क्या बन गया फिर, एक्स टेंड्स टू जीरो, जब एक्स टेंड्स टू वन आ गया तो ये क्या आ गया, एक से छोटा हो गया, तो -x -1 है, ये माइनस करेगा, -x -1 -1 to 0, फिर ये क्या आ गया, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 में एक्स पहले 0 = x आ गया, फिर जो है एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से 2 है, 1 से 2 है, 1 से 2 आ गई, तो क्या आ गया यहाँ से, तो एक्स की आ जाएगी, x + x = 2x आ जाएगी, तो ये क्या आ गया, 2x आ गई, और फिर जो है 2 से 3 पे, 2 से 3 पर ये आएगी, तो ये एक्स की वैल्यू जो है कि टेंस टू आ जाएगा, 2 से है, तो x + 2 आ गई, और x = 3, 3 पे ये करके 3 + 3, 3 इसे कर लीजिए, कहाँ आई है, जो आई है 3 + 3 = 6, ये आ गया। इस फंक्शन में पहले जो ये फंक्शन ब्रेक कहाँ कहाँ हुआ है, एक तो 0 पे हुआ हुआ है, ये दिख रहा है, पहले x = 0 पे मैंने जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करी, फिर कहाँ पे कैच ब्रेक कहाँ हुआ है, ये दिख रहा साफ दिख रहा, कहाँ पे 1 पे ब्रेक हुआ, कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस 1 पे, फिर इस कंटिन्यूटी 1 पे ब्रेक, फिर कहाँ ब्रेक हुआ है, फिर 2 पे ब्रेक हुआ है, फिर इसकी यहाँ से मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक करी, x = 3 बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन पे हम कंटिन्यूटी कभी चेक नहीं करते, तो देखा, तो देख इन तीनों पॉइंटों पे x = 1, x = 2 और x = 0 पे वी इट क्लियर टू सी दैट द फंक्शन इज ओनली एट वन पॉइंट इन x = 2 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा डिसकंटिन्यूअस पूछा, सॉरी भाई डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे है, ये डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 2 पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे है, कंटिन्यूअस 1 पॉइंट पे है फंक्शन, सॉरी फंक्शन कंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे निकला है, 1 पॉइंट पे निकला है, और डिसकंटिन्यूअस कितना है, 2 पॉइंट पे निकला है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आगे बढ़े, ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है भाई घर से लिख के लाना, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये आईटी का बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, और कल शुरू करेंगे डिसकंटिन्यूटी, कल शुरू क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स ऑफ ऑल।